पंजाब हिमाचल मैं हूं आपके साथ तरजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सो की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नवांशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, विधायक सुशील कुमार रिंकू का सड़क हादसा हुआ। कार हादसे में विधायक रिंकू समेत दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। रॉन्ग साइड से दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली से कार की टक्कर हुई, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बड़ी खबर, दरअसल रॉन्ग साइड से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी, ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के बीच में टक्कर हुई, जब यह पूरा हादसा हुआ, पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की नवांशहर से बता रहे हैं, विधायक सुशील कुमार रिंकू सड़क हादसे में घायल हुए। कार हादसे में विधायक रिंकू समेत दो पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। रॉन्ग साइड से दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी, उस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की आपस में टक्कर हुई, फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है, जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, कार पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नवांशहर से, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ, भयानक सड़क हादसा, इसमें विधायक सुशील कुमार रिंकू और उनके साथ दो पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो कि इस पूरे हादसे में गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। दरअसल ये पूरा हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि रॉन्ग साइड से आ रही थी और कार के बीच टक्कर हुई, और ये टक्कर कितने जोर से हुई है साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। दरअसल रॉन्ग साइड के चलते ये पूरा हादसा हुआ है, रॉन्ग साइड से ये ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी और कार कितनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भयानक सड़क हादसा ये हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, गंभीर तौर पर जख्मी जरूर हुए हैं, लेकिन जान का बचाव जरूर कर लिया गया है। विधायक रिंकू इसमें मौजूद थे, साथ ही उनके साथ दो पुलिसकर्मी मौजूद थे जो कि गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। सो बड़ी खबर नवांशहर से बता रहे हैं, विधायक सुशील कुमार रिंकू सड़क हादसा हुआ, कार हादसे में विधायक रिंकू समेत दो पुलिसकर्मी मौजूद थे जो कि इस पूरे हादसे में गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। दरअसल ये पूरा हादसा रॉन्ग साइड से ट्रैक्टर ट्रॉली आने के चलते हुआ। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे नवांशहर का ये मामला है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? जी बिल्कुल तरन, जो ये मेरे हाथ में सुशील रिंकू जी जो जलंधर से अपने चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे अपने गाड़ी पे, और जब नवांशहर से क्रॉस करने के बाद गांव जाडला की ओर पहुंचे तो एक ट्रैक्टर सामने से आ रही थी, ओवर उन्होंने गलत तरीके से चाट लेके उन्होंने जब इसकी तरफ आ रही है तो इनके गाड़ी के आगे में लग गया फ्रंट पे, और ये गाड़ी के आगे बैठे थे कुमो में, आगे अपने नोवा में गाड़ी में आगे बैठे थे, जख्मी हो गए और पुलिस ने मामला पुलिस जांच कर रही है, सभी को कब्जे में लिया गया, इनको अस्पताल पर नवांशहर के आईपी अस्पताल भर्ती करा गया। इनके जो साथ पुलिस जो अपने थे और साथ के ड्राइवर थे उनकी भी हल्की उन्होंने जख्मी हुए हम लोग और उनको भी अस्पताल में गया और ये आईपी अस्पताल पर। आपसे जानना चाहेंगे शैलेश, बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है, दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली गलत साइड से आ रही थी, रॉन्ग साइड से आ रही थी, अब पुलिस की तरफ से क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि गलती तो यहाँ पर हुई है? जी हाँ जी बिल्कुल, पुलिस की ओर से जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो कब्जे में लिया उनके ड्राइवर को कब्जे में अपने गिरफ्तार कर लिया गया, और क्योंकि जो भी वहाँ पे जांच करेगी, जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेगी वो। जी तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नवांशहर में ये पूरा हादसा हुआ है, विधायक सुशील कुमार रिंकू के साथ ये सड़क हादसा हुआ है, बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ जैसा कि तस्वीरें बयां कर रही हैं, और इसमें कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, दो पुलिसकर्मी भी विधायक के साथ गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए।